केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने नई कार्यकारिणी टीम का ऐलान किया है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए सपा ने उत्तर प्रदेश की 182 सदस्यीय भारी भरकम राज्य कार्यकारिणी तय की है। सपा मुखिया ने पिछड़ों अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों को खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस चुनावी लिस्ट में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने रविवार को प्रदेश की नई टीम घोषित की। चुनावी मैदान में उतरने के लिए सपा ने उत्तर प्रदेश की 182 सदस्यीय भारी भरकम राज्य कार्यकारिणी तय की। सपा मुखिया ने पिछड़ों अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों को खासा प्रतिनिधित्व दिया है। पीडीए के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने वाली सपा के कार्यकारिणी में इसको महत्व दिया है। बड़ी संख्या में अति पिछड़ों को जगह दी गई है। वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सचिव बनाया गया तो कई विधायकों को भी कमेटी में स्थान दिया गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा राजकुमार मिश्र पहले की तरह कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।